अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एसएसटी की बुक का यूनिट नंबर 1 वर्किंग सेफली रीड करेंगे। वर्किंग सेफली मींस महफूज तरीके से काम करना। इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज़ थिंग्स, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी यूज़ थिंग्स, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं दैट कुड बी डेंजरस, जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं इफ़ दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपरली, अगर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना करें। थिंग्स एज स्मॉल एज अ वेजिटेबल नाइफ, छोटी से छोटी चीज़ जैसे सब्ज़ी काटने की छुरी, और एज़ लार्ज एज अ कार, और बड़ी से बड़ा कार, could be useful if they are used with care, जो कि हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, if they are used with care, अगर हम उसे एहतियात से इस्तेमाल करें। and dangerous और ख़तरनाक if they are used carelessly, carelessly का मतलब होता है लापरवाही से, अगर हम उसे लापरवाही से इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। In order to enjoy life and benefit from the different things around us, in order to enjoy life and benefits from the different things around us, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी लाइफ तरतीब से गुजार सकते हैं। We must always remember, तो हमें हमेशा ये बात याद रखनी है that if we work carelessly, अगर हम लापरवाही से काम करेंगे, we can hurt ourselves, तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं as well as other people, और साथ साथ दूसरे लोगों को भी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इसमें क्या बताया हुआ है कि हमें हर काम एहतियात से महफूज तरीके से करना है। हमारा चैप्टर का नाम ही यही है, वर्किंग सेफली मींस महफूज तरीके से काम करना। अब महफूज तरीके से काम करने के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हमें उसे केयरफुली यूज़ करना है। अब छोटी से छोटी वेजिटेबल नाइफ यानी कि सब्ज़ी काटने की छुरी, अगर हम उससे सब्ज़ी काट रहे हैं तो हमें केयरफुली वर्क करना है कि कहीं उससे हमारा हाथ ना कट जाए। और अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं या बाइक राइड कर रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है, केयरफुली ड्राइव करनी है, केयरफुली राइड करनी है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान है और हम दूसरों को भी उससे साथ साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो और उसके हमें फ़ायदे हों, तो हमें हर दफ़ा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें लापरवाही से काम नहीं करना है। लापरवाही से काम करने से क्या होगा कि हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके साथ साथ हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ भी सेव करनी है और साथ साथ दूसरों की लाइफ भी सेव करनी है। जो हमारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं और फ़ायदेमंद भी हो सकती है। अब ये हमारे यूज़ पर है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, केयरफुली करते हैं या केयरलेसली करते हैं। केयरफुली करेंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है और केयरलेसली करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है और उसके साथ साथ हम दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं और कार ड्राइव हम केयरलेसली कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर खुदा ना खौस्ता हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे क्या होगा, हमारा भी नुकसान होगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट कब होगा, जब हमारी कार किसी कार से टकराएगी या हमारी कार किसी गाड़ी से टकराएगी, तो उसमें नुकसान हमारा भी है और नुकसान दूसरों का भी है। और अगर हम यही कार केयरफुली ड्राइव कर रहे होते, अक्सर ऐसा होता है कि लोग कार ड्राइव करते हुए क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता नहीं चल पाता कि उन आगे क्या होने वाला है, उससे उनका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ये केयरलेसली वर्किंग है, हमें क्या करनी है, केयरफुली वर्किंग करनी है। अगर हम मोबाइल का यूज़ ना करें तो हमारी वर्किंग कैसी होगी, केयरफुली वर्किंग होगी। और हमें हर काम महफूज तरीके से ही करना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। अब हमारी छोटी से छोटी चीज़ भी, इन्होंने क्या एग्जांपल बताई है, नाइफ की छुरी, छुरी की एग्जांपल हमें दी है कि हम नाइफ से वर्किंग केयरफुली करें ना कि केयरलेसली वर्किंग करें।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अब मैं आपको आपका होम टास्क बता देती हूँ कि आपको क्या वर्किंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन पेज प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड लाइन पर आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाएंगे, देन नेम अरीशा गज़ल, ये तो मैंने अपना नाम लिखा है, इसकी जगह पर आप अपना नेम लिखेंगे। फादर नेम अब्दुल वहीद, अपने फादर का नेम लिखेंगे। क्लास थर्ड और जो आपका आगे सेक्शन है ए या बी आपने वो शो करना है। सब्जेक्ट SST, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंट्रोडक्शन पेज आपने प्रिपेयर करना है जैसे मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। डन। इंट्रोडक्शन पेज के बाद इंट्रोडक्शन का जो बिल्कुल पीछे वाला पेज है आपने वो स्किप कर देना है। देन आगे वाले पेज पर आपने टाइटल पेज बनाना है मिड टर्म का। इसमें आपको कोई हेडिंग कुछ नहीं लगाना, बस मिड टर्म का TP बनाना है जैसे नीट एंड क्लीन मैंने बनाया हुआ है। याद रहे स्टूडेंट्स, टाइटल पेज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन पेज बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। इंट्रोडक्शन की पहले आपने ऊपर हेडिंग लगानी है, देन नीट एंड क्लीन, नेम फादर नेम क्लास सब्जेक्ट लिखना है, देन मिड टर्म का टाइटल पेज प्रिपेयर करना है। यह है आपका आज का होम टास्क। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।